बंगाल में खेला होवे, लेकिन मामदा दीदी मैं कहना चाहता हूँ खेला होवे निश्चय होवे, खेला होवे, खेला तो होवे, खेला होवे, खेला होवे। तो मनोज भैया खेला होवे, खेला तो होवे दादा, खेला होवे। ये न्यूज 18 इंडिया की टीम और आज सवालों का मैच होगा, उधर से जवाब आएंगे मनोज तिवारी जी की टीम से। ये हमारी टीम भी है, नमस्कार, विश फॉर आवर विन। कितने गोल होंगे? 294 मैक्सिमम हो सकते हैं जी, लेकिन हम लोग अब देखिए ये गेम में ना गोल, हमें गोल करना है, उनके जो उनके जितने थे ना उनको हम कर देंगे गोल और अपने बढ़ाएंगे स्कोर। चलिए शुरू करते हैं। जी मनोज जी, ईडन गार्डन्स के बाहर का मैदान है ये जी, आपका पसंदीदा? ये ईडन गार्डन है। हाँ। ये ईडन गार्डन है, हम लोग ऐतिहासिक धरती पे खड़े हैं और बहुत खास बात यह है कि बगल में नेताजी इंडोर स्टेडियम है जहां याराना फिल्म का गाना भी शूट हुआ था, और सारा जमाना, सारा जमाना, बीजेपी के जमाना जी, वही वही हुआ था, अमिताभ बच्चन साहब, और उसी में मेरा भी जन्म हुआ था किशोर भाई। मेरे जीवन का फर्स्ट प्रोग्राम बड़ी जुगाड़ से यहीं लगा था और मैं पसंद किया गया। वही जुगाड़ आप कोलकाता में इस चुनाव में भी लगा रहे हैं, क्योंकि आपके पास नेता तो है नहीं, जुगाड़ से ला रहे नेता यहां से वहां से। टैलेंट को एक बार मौका मिलना चाहिए और हमको मौका मिलेगा, मौका मिलते ही हम छा जाएंगे। आरोप ये लग रहे हैं कि सीबीआई और ईडी भी आपके एलाइज हो गए, यही टैलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? ना ना, ये जाकी रही भावना जैसी, जो पहले करते रहते थे ना उनको लगता था कि ऐसा हो रहा है। अभी वो रेफरी सीटी बजा रहा बस। हाँ जी, जो वो नहीं नहीं, हाँ वो तो देखिए जो गलत करेगा उसके लिए तो एजेंसीज होंगी और जो साच है उसको आँच किया, रेड कार्ड दिखाया जाएगा। हाँ कभी कभी रेड भी, कभी कभी यहाँ रेड नहीं, यहाँ रेड नहीं बोलते हैं। नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि फेयर गेम हो। ठीक है, ये बताइए मुझे, ये ईडन गार्डन में आपने मैच देखा है? नेताजी सुभाष में तो आपने परफॉर्म किया है। मैंने देखा है, मैंने यहाँ पे मैंने 4 मैच देखे हैं यहाँ पे। सब अच्छा स्टेडियम है, अरे मतलब ये वर्ल्ड का एक श्रृंगार है। ईडन गार्डन में खेलना एक क्रिकेटर का सपना होता है, लेकिन उस सपने को भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दाग लगाने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल में लोग डरने लगे इधर आने से खेलने, अब खेला होवे, भालो कोरे होवे और सुरक्षित वातावरण होवे। ये बेहतर है या नरेंद्र मोदी स्टेडियम बेहतर है अहमदाबाद का? देखिए दोनों का अपना महत्व है, दोनों का महत्व है, ये ऐतिहासिक है, वो इतिहास बनाने जा रहा है। चलिए आपकी पासिंग देखते हैं अपनी टीम को। अरे अब मनु की तरह घेर लिया हमको। अच्छा कैप्टन कौन है आज टीम का? यहाँ पे तो आप हैं बंगाल में। देखिए बंगाल का कैप्टन हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, अभी हमारे दिलीप घोषदा हैं और हु विल बी लीडिंग कैप्टन फॉर गवर्नमेंट, आवर एमएलए विल डिसाइड। तो वो कोई पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता होगा कि कोई नया आएगा, नया ज्वाइन किया हुआ होगा? वो तो मैं नहीं बता सकता, वो विधायक डिसाइड करेंगे। ये क्योंकि आप भी सेलिब्रिटीहुड से पॉलिटिक्स में आए, तो यही पुराने कार्यकर्ता बोलते हैं कि अरे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ जाते हैं, हम इतने साल से काम करते हैं और ये आ जाते हैं, इनका चेहरा बिकता है इसलिए इनको सब कुछ मिल जाता है। नहीं, बंगाल में भी तो यही झगड़े चल रहे हैं ना। बट किशोरदा, बीजेपी में चेहरा नहीं बिकता, बीजेपी में श्रम की कीमत होती है। लेकिन गुटबाजी तो है, ये तो मानेंगे गुटबाजी है यहाँ पर बीजेपी में। पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता और नए बीजेपी के कार्यकर्ता जो नए प्लेयर आ रहे हैं उनमें एक समन्वय नहीं बैठ पा रही। कितने मुख्यमंत्री हैं मैं गिना दूं, कितने चेहरे हैं अभी? वो ये विपक्षियों की ऐसी भाषा है, विपक्षियों की ऐसी भाषा है जहाँ पे हाँ। आप लोग बात बात में मेरे बॉल को ले मत जाना।
अरे रुक जा, अच्छा हमारे वाले क्या करें। दीदी ये कह रही है कि रेट हो गई, सेल्फ गोल तो नहीं कर दिया आपने? ना 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 ना, हम लोग बड़े नियम कानून के तहत बिना फाउल गेम खेले हुए हम स्कोर करने में विश्वास रखते हैं। माँ माटी मानुस खेल बे। वो कह रहे हैं अंपायर भी आपका, लाइनमैन भी आपका, स्कोरर भी आपका। अब अगर आप चुनाव आयोग नहीं समझते, एजेंसीज को एजेंसीज नहीं समझते, आप टीएमसी की जो भाषा है वो है कि मैं जो कहा वही कानून, मैं जो किया वही सच्चा कार्य, एटा चोलबे ना, ताई जो ने खेला होबे। लेकिन ममता तो कह रही है कि बांग्ला निजेर मेके ही चाय, बांग्ला निजेर मेके ही चाय, अपनी बेटी को ही चाहता है बंगाल। हाँ तो हमने 9 बेटियों की तस्वीर जारी की है, क्या वो बंगाल की बेटियां नहीं है? आप तो बुआ कह रहे हैं, बुआ भी तो बेटी होती घर की। तो हम कहाँ कह रहे बुआ बेटी नहीं होती, बुआ वर्सेस बेटी है, बुआ को बेटी नहीं मानते आप? मेरा कहने का, हम लोगों ने जो नारा दिया ना, देखिए भारतीय जनता पार्टी का मूल समझिए कि एज वाइज बेटी, बेटी ही कभी माँ होती है, बेटी ही कभी बुआ होती है, बेटी ही कभी दादी होती है। अच्छा ये तो बेटी, हाँ। बेटी और बुआ की बात हुई, ये भाईपो से दिक्कत इतनी क्यों है आप लोगों को? बार बार जो भी नेता हुआ भाईपो भाईपो, इस शब्द के बिना कोई स्पीच कम्प्लीट ही नहीं होती। इसलिए कि भाईपो इज रूइनिंग दिस स्टेट, भाईपो इतना भ्रष्टाचार में डुबा दिया है कि वो जो चप्पल पहनते हैं वो चप्पल वालों का दर्द जानना भूल गए, इसलिए भाईपो की चर्चा है। हु इज भाईपो, व्हाई इज भाईपो? ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 4 साल से सीबीआई ईडी कुछ नहीं कह रही थी, अब जब चुनाव आ गए तो सीबीआई ईडी सबके छापेमारी होने लगी भाईपो पर, सीधा सीधा आरोप है। सर आप देखो, आज के लगभग 1.5 साल पहले, 2 साल पहले एक सीबीआई की यहाँ इंक्वायरी हुई थी और सीबीआई को ही यहाँ की सर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, हम कैसे भूल जाए? वो आज की बात है, वो 2 महीने की। किसी पे भी हो, कल्प्रिट आरोपी, जो आरोपी है वो आरोपी है, जांच एजेंसियों का काम है जांच करना, वरना तो इत्तेफाक है कि वो चुनाव के वक्त होगी जांच। हाँ ये इत्तेफाक है। एक सवाल, ये फुटबॉल जो है इस पे, अरे यार ये फुटबॉल जिस पे टीएमसी लिखा क्या, आप इतनी जोर से मार रहे हैं। मोदी जी की रैली में कितनी भीड़ मनोज तिवारी ला रहे हैं, और भीड़ क्या झारखंड और बिहार से आएगी जैसा आरोप टीएमसी की तरफ से लगता है? यही तो परेशानी है कि लोग जब निकल के आते हैं तो वो अपने लोगों को ही अपना मानने से इनकार कर देती है टीएमसी। अगर पश्चिम बंगाल की जनता अमित शाह जी को सुनने आ रही है तो वो लोग आप बता दे रहे हो कि बंगाल की नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की अभी सभा है और अभी से हम लोगों को इस ये नियंत्रित करना पड़ रहा है कि लोगों को कैसे संभालेंगे। ये दीदी की जमीन है, आप यहाँ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, फुटबॉल छोड़ नहीं रहे ना? यही माटी, माँ माटी मानुस लैंड एंड माँ माटी मानुस रौंदा जा रहा है, इसलिए हम अब देखो ना एक बात कितनी इसी मिट्टी से जो निकलता है ना, यही की वृष्टि में, उसी को तृणमूल कहते हैं, वो कहते हैं। आप देखिए मैंने 98 में एक गाना गाया था, अमी ऐसे छी तुम्हारो दोरबार, दोया करुमा दोया करुमा। अब ये बताइए हम 98 में क्या जानते थे, हमें यही पता था हमारे गांव में ना गीत गाया जाता था, अरे सैया गई ले काला का तवा आही रे सजनी, कब आई है जानी नहीं, कब आई है जानी नहीं, अरे कहीं कैसे दुखवा आई हो सजनी, सैया गई ले कोलकाता। तब कलकत्ता था, आज कोलकाता है। अब कहते हैं बाहरी हैं आप लोग। हमारा तो, हम देखिए हम बिहार के लोग हैं,
हमारा तो माछ भात का रिश्ता है पश्चिम बंगाल से। हमारे यहाँ भी मछली भात बहुत फेमस है, यहाँ भी माछ भात। अच्छा, वोट के पहले तो लिस्ट आनी पड़ेगी, और लिस्ट में जब टीएमसी से आए हुए नाम होंगे तो बवाल तो कटेगा। हम कहाँ कह रहे हैं कि टीएमसी में सब बुरे लोग हैं। जो आपके पास आ जाए वो तो अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं। वॉशिंग पाउडर भाजपा जो ममता बनर्जी कहती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कोई तो है केमिकल। देखो नहीं, हमारे यहाँ पोच के उसको एकदम बना लेते हैं। नहीं, हमारा ये विचार है कि हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या वो नीति नियंता है, वो इस जो मतलब जो नीति बनाने वाले लोग कौन है। उस पर जब बात होती है कि यहाँ तो बस असली हम दो हमारे दो तो यहाँ है। मेरा मानना है कि यहाँ पे दीदी और उनका जो भतीजे है, इन दोनों लोगों से उनकी पार्टी के लोग भी त्रस्त हो गए। मैं कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं करता, लेकिन अगर हेलमेट की जगह लोग टोपी रखने लगे कि हम इससे निकलेंगे तो पुलिस हमको कुछ नहीं बोलेगी, तो फिर जनता बोलेगी। सर, हमारा फुटबॉल हिंदू वर्सेस मुस्लिम मैच है ये? नो, नॉट एट ऑल। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये इंसानियत का मैच है। तो ये बताइए, आपकी तरफ कोई मुस्लिम दिखते क्यों नहीं है फिर आपकी टीम में? नहीं, हमारे पास बहुत है। कौन? आप कल मौका दीजिए, कल मैं बुला लेता हूँ। भैया ने मनोज जी, अरे एक मिनट सुनिए, चुनौती आपके सामने बहुत बड़ी आ गई। एक मनोज तिवारी बीजेपी के पास थे, दीदी ने कहा कि एक मनोज तिवारी हमारे पास भी है, मनोज तिवारी क्रिकेटर, उनको लेके आ गए आपके मुकाबले। देखो, व्यक्तिगत एक आदमी का आना इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम मनोज तिवारी एक, हम बीजेपी के पास हैं, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन लाखों मनोज तिवारी की भावना बीजेपी के साथ है, ये इम्पोर्टेंट है। वो और किसको लाती हैं भाई, अभी तो डरा के भी ला सकती हैं ना, अभी तो बहुत तरह के हथियार है उनके पास। नहीं, अब तो मॉडल कोड लग गया, अब क्या हथियार है? अरे बाप रे बाप, अभी भी तो वो कह रही, अब तो सारे हथियार आपके पास हैं, आप चलाए जा रहे हो। नहीं, अभी भी वो डराने की कोशिश कर रही हैं। अब लोग कहते हैं मनोज तिवारी डरने लगे हैं, पहले गाना गाते थे नौकरी न मिलल मन उदास भइल बाबू जी, दौड़त दौड़त चप्पल जूता घिस गए ने बाबू जी, अब आप रोजगार की बात नहीं करते अपनी रैलियों में कि हम देंगे। करी, अब हमारा गाना बदला है क्या? अब हमने कहा है जियो जियो हिंदुस्तान, सबके हाथों में हो काम, जियो जियो हिंदुस्तान, सबके हाथों में हो काम, अरे सबके जेब में हो दाम, तब हो मोदी को आराम, चलो संगे हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान। पेट्रोल की कीमत पे कोई गाना बनाए हैं आप? भाई, पेट्रोल की कीमत पे तब बनाते ना जब हमारे भारत में पेट्रोल महंगा होता और सिंगापुर में सस्ता होता, पाकिस्तान में सस्ता होता है। पाकिस्तान में भी सस्ता है, श्रीलंका में भी सस्ता नहीं है, सर, नेपाल में भी सस्ता है, 57 रुपए 60 रुपए के आसपास। सर, नेपाल छोड़ दीजिए। हाँ। नेपाल में एक अलग चाइनीज हेल्प हो रही है। हाँ। आप लिख लीजिए सर, मैं किशोर भाई, इस समय पाकिस्तान में 109 रुपया पेट्रोल है, अगर मैं गलत हो गया तो आप तुरंत मुझे शाम तक बोलिए, मैं किसी भी तरह तैयार हूँ। सिंगापुर में रुपए में 119 रुपया पेट्रोल है, और हर कंट्री में, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो तेल उत्पादक देश हैं, उन लोगों ने अभी अपने प्रोडक्शन को कम कर दिया है, क्योंकि उनको अपना इनकम बढ़ाना है कोरोना संकट में जो हुआ है। ठंडा भी आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते हैं ठंडक पड़ रही है, इसका नहीं, क्या मतलब? सर्दी में हमेशा बढ़ती है, और आप देखिएगा वो 10-15 दिन में वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट डाउन होने वाला। तो 10-15 दिन में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट डाउन होगा, तो आप भी डाउन करेंगे क्या? 100% करेंगे। वो तो ये नहीं करेंगे, वो तो कंपनियां करेंगे, तो कुछ कर ही नहीं रहे ये भाई। हम एक्साइज लेते हैं बस। नहीं, 100% कम होते हुए देखेंगे। देखो, एक्साइज तो स्टेट छोड़।